2G घोटाले के आरोपों ने मनमोहन सरकार की नैया डुबो दी थी, इसीलिए मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी बेहद पारदर्शी तरीके से रखने की बात हो रही है। इसके लिए दूरसंचार मंत्रालय ने ट्राई से सुझाव मांगे हैं, जिनके आधार पर नई नीलामी नीति बनेगी। इस बार उन्हीं कंपनियों को ऑक्शन का बुलावा मिलेगा जो पहले से ही दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार पहले आओ पहले पाओ की उस नीति को खत्म करना चाहती है, जिसके चलते 2G घोटाला हुआ था। बीजेपी इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है और कांग्रेस आलोचना कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे विरोधी को भी उंगली उठाने का न मौका हमने दिया है, न विरोधी को उंगली उठाने का मौका देने वाले। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए में हुआ था, और जो बिजनेस में थे टेलीकॉम के, उनको लगभग 48,000 करोड़ रुपए का उस वक्त फ़ायदा पहुंचाया गया था। स्वर्गीय नेता हैं बीजेपी के, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, इसमें उस तरह का काम नहीं होना चाहिए।